और भाई साहब ये एकदम से चलने लग गया, आंधी तूफान आ गया है। हैं? अरे मैंने तो लाले पड़े को फोन करा, मेरा सामान होगा तो भिजवा भाई। अरे गजब। अब क्या पानी क्यों डाल रहे हो, बारिश तो आ रही है। अबे यार क्यों, आपको यकीन नहीं है कि बारिश अच्छी होगी। कपड़े भीग रहे बेचारों के सामने, यही कमी थी बस संडे को आज। अंदर तक आ रही है पूरी बारिश। ओ सुनो, मैं बाइक लेके आता हूँ पीछे की साइड से, ठीक है? बाइक धुल जाएगी, गाड़ी धुली रही होगी, है ना? अच्छी बारिश हो रही है रोड पे देखो। हाँ इतना सा तो ला ही सकते हो, वैसे तो बड़ा वाटरप्रूफ है। नहीं नहीं वाटरप्रूफ तो है ये, है तो वाटरप्रूफ ही है, मतलब वाटरप्रूफ नहीं है बट ऐसा है कि वाटर रेसिस्टेंट है सर, मतलब एकदम से खराब नहीं होगा शायद पानी में अगर जाए तो। बट मैं क्यों ट्राई करूँ, ये बनियान किसकी पड़ी है वहाँ? हमें तो हमारी नहीं है, मुझे भी एक बारी को लगा वहाँ किसी की बनियान पड़ी है, मुझे लगा हमारी ना हो। बोलो जब पीछे हो गए ना पैर पहुँच के आना, अंदर तक चाहिए। मैं बाइक लेके जा रहा हूँ और पीछे से ले आता हूँ बाहर, यहीं खड़ी कर दूंगा, धुल जाएगी फिर अपना है, फिर वहां देखेगा कौन अगर मुंह पर है तो। हाँ चलो 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 चलो, इस बारिश का फायदा उठाया जाए और बाइक को लगाते हैं बाहर। अब वो ट्रक वाले और लंगर, मेरी आवाज नहीं आएगी तो सामने ही रख दे, ज्यादा आगे जाने की क्या जरूरत है यार। मतलब अपनी तरफ बारिश कम आती है ना, इस तरफ इधर आ रही है। कम होगी बारिश क्या? नहीं नहीं धुल जाएगी, धुल जाएगी। एक बारिश से दोनों काम हो रहे हैं अपने, बाइक भी धुल रही है और कार भी धुल रही है। पानी की वेस्टेज नहीं करेंगे, जो नेचुरल वाटर है ना उसी से धोएंगे अपना बाइक। एकदम मजे ही बांध दिया भाई बारिश में तो। वैसे तो सुबह से भी मौसम ठीक ही था, इतनी धूप थी नहीं, लेकिन ये बारिश आने के बाद जो फीलिंग आ रही है उसका कोई तोड़ नहीं है। हम सोच रहे थे कुछ काम वाम कराते, अभी तो सोच ही रहे थे हम। अभी कौन सा आपको क्या लग रहा है, ऐसे कंटिन्यू चलने वाली है यार? लग तो रहा है बुलबुले होते हैं, ये लग रहा है कि बारिश देर तक हो सकती है। वैसे ऊपर क्लियर भी है वेदर। सोच रहे थे कि चलते हैं कुछ खाने वाने का सामान मतलब घर के लिए ले आते हैं, अभी सोच ही रहे थे। और बल्कि मम्मी ने दुकानदार को फोन ही किया था जो घर पे सामान डिलीवर करता है हमारे, तो उन्होंने बोला आंटी बस अभी आता हूँ बारिश हो गया जरा, तो इससे मालूम पड़ा कि बारिश हो रही है। लगभग 15 से 20 मिनट हो गए बारिश को शुरू होके, मतलब जब मैंने बाइक बाहर खड़ी की थी मतलब बाइक धुल गई होगी मेरी, तो जाके बाइक देखते हैं कि बाइक साफ हुई है कि नहीं। चल रहे हो नीचे चाहे बारिश तेज हो या धीरे हो, बिजली वालों का एक परम धर्म है कि जैसे ही बारिश आए लाइट भगा दो, है ना? और लाइट भाग चुकी है। ये अपनी बाइक धुल गई यार, मैं बाहर जाके कपड़े साफ कर लूँ, बाकी तो भीग तो मैं जाऊँगा लेकिन बाइक साफ हो जाएगी ना ठीक से। हाँ तो ये अपना सामान आ गया, और हर घर की एक कॉमन प्रॉब्लम कि रात को खाना बनने से पहले एक सवाल जरूर पूछा जाता है कि क्या बना है? तो हमने इसका जो सॉल्यूशन ढूंढना है वो ढूंढा ही है कि टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जाएगा, मतलब एक एक्सेल की शीट डेवलप की जाएगी टेक्नोलॉजी हमें खाने को देगा कि कौन से दिन में क्या बनना है। तो उसकी शीट तैयार करने के लिए लैपटॉप खोल लिया मैंने, डे ऐड कर दिया हमने, डे के बाद ऐड कर देते हैं यहाँ पर मंडे, मंडे तो जो मंडे है ना मंडे को ऐसे हम ड्रैग मारेंगे ये पूरा संडे तक बढ़ जाएगा, ठीक है जी? एक एक्स्ट्रा आ गया सर डाल देते हैं। हाँ जी और बताओ, आलू पराठा, आलू पराठा मूली नहीं आती ना अभी, मूली इस समय नहीं आ रही, आलू पराठा एडिशनल में डालूं? हाँ क्योंकि वो हम कभी भी खा सकते हैं ना, ये वो चीज़ें हैं। आलू पराठा, पराठा तो जैसे हमारा वो भी था
क्या बोलते हैं हम, कटहल बनाते हैं। कटहल मुझे पसंद नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा। मुझे तो है। सांभर वो भाजी रहेगी? हाँ पाव भाजी, ब्रेड, सिंपल पराठा है, आलू पराठा है। वो आलू पराठा वैसे खाएंगे कभी नाश्ते? तो कितने 5 दिन तो होते हैं। हाँ तो फिर 5वें दिन रिपीट हो जाए, अलग अलग आएगा ना। और संडे के दिन में लिखा है सोते रहो, सीधा उसके बाद खाना खाओ, रात का खाना खाओ और उसके बाद फिर से सो जाओ। तो ये फाइनल लिस्ट हमारी तैयार हो चुकी है। तो इस हफ्ते के लिए सुबह दलिया, लंच में राजमा राइस, ये लो आधा और आलू बैगन, ये लो। और पूरे हफ्ते की सब्जी जो है वो एक ही बार लानी है। तो ये सब्जी लेने के लिए बस अब निकलते हैं घर से। संडे अपनी मार्केट रहती है BHL में, एक ही बार में सारी सब्जी वहीं से ले आते हैं। तो बैंगन, बीन्स, गोभी, लौकी, शिमला, 5 सब्जी लेके आनी है। और 5वें दिन इन्हीं मिक्स, इसी को मिक्स करके मिक्स वेज बना देंगे। और दाल वगैरह तो हमारे घर में आ ही चुकी है। ओ भाई साहब है, हाँ भाई साहब, सेकेंड राउंड बारिश का शुरू हो गया है। अरे गजब, चलते हैं यार, चलते हैं। भाई अप्रैल का महीना ना मेहरबान हो गया हमारे ऊपर, सबके ऊपर। मतलब अभी अंदर बैठे हुए थे, हम सोच रहे थे बस अब निकलते हैं, कुछ सामान सामान लेके आते हैं। और बैठे बैठे बस मैं थोड़ा मोबाइल चार्ज कर रहा था, ये यार यहाँ से ही पानी आ रहा है, मैं मोबाइल चार्ज ही कर रहा था। मैं कहा चलते हैं बस थोड़ा मोबाइल चार्ज दें। इतनी देर में इतनी तेज़ आवाज़ आने लगी बारिश की, और राउंड 2 शुरू हो गया बारिश का। अभी थोड़ी, अब तो कुछ नहीं हो सकता। मैं क्या कह रहा हूँ, अब चलते हैं सब्जी सब्जी लेने। चले निकाल के लाऊंगा अपनी बाइक का मस्त स्नान एकदम। पिछली बार बढ़िया नहीं हो रहा था, अब अच्छे से साफ होगी। होगी बारिश बंद पर मौसम बढ़िया हो गया भाई। तो हम निकल गए हैं जबरदस्ती बारिश में। हालांकि बारिश जितनी तेज शुरू हुई थी, घर से गाड़ी निकालते निकलते भी बारिश बंद हो गई। पर मौसम ना अभी भी इतना ही काला सा है कि हो सकता है कि फिर से बरस जाए रात तक। एक बार फिर से मुझे लग रहा है बारिश तो होगी, है लग रहा है। आप लोग हमारे चुल हो रही थी कि बारिश में निकलते हैं, जितनी देर में गाड़ी बाहर निकाली उतनी देर में बारिश ही बंद होगी। जैसा कि मैंने कहा था बारिश तो फिर से शुरू होगी जैसा कि मौसम है। और फिर से एक बार बारिश की बूंदें शीशे पड़ने लग गई हैं। हम ये जाके देखना चाहते हैं कि क्या इतनी बारिश में भी हमें सब्जी वाले वहाँ मिलेंगे, या वो जहाँ या वो वहाँ से जा चुके होंगे। भाई जहाँ से सब्जी लेनी होती है, लोग तो अच्छे खासे हैं, दिखाई दे रहे हैं। बाकी हम देखते हैं हमारा क्या सिस्टम बनता है। देखो कितना पानी भरा हुआ है यार। इस सीन कुछ ऐसा है कि हमारे सामने है सब्जियां, लेकिन हम जा नहीं सकते। हम जाएंगे कैसे? छाते तो छाते दो हैं, तो छाता लेके चलेंगे। चलो देखते हैं अभी क्या सीन बनता है। पानी भरा हुआ है बहुत, हमारी डेली वाली जो जगह हमें मिल जाए ना, हाँ यहाँ पर है जगह।
ये प्लान कैंसिल हो गया यहाँ सब्जी खरीदने का, क्योंकि अंदर ना जाने के लिए बहुत जुगाड़ करने पड़ रहे हैं। गरम पानी। तो यहाँ से हम निकल रहे हैं। अब हमने घूम लिया, हमें टशनबाजी करनी थी, हमने वो कर ली। सब्जी तो हम घर के पास ही ले लेंगे। एक्चुअली में क्या है कि प्यार एकदम से अगर एक बार मिट्टी में गए ना तो सब्जी लेने का मन नहीं करेगा आपका, वो पैर को अंदर रखने का मन नहीं करेगा। सबसे मेन बात ये है सब्जी लेंगे कहीं और से। फिलहाल यहाँ से पहुँचते हैं, जहाँ से सब्जी लेनी है वहाँ। अब तो अब नहीं आएगी बारिश, अब हमारा काम नहीं बना ना। बारिश तब आती है जब आपको कुछ काम करना हो, और वैसे भी तो हमें तो पता ही था बारिश हो रही है, हम तो जानबूझ के निकले थे, वरना हमारा संडे वाला दिन खत्म कैसे होता। जब तक संडे को हम घर से बाहर ना निकले ना, चाहे हम सब्जी ही लेने क्यों ना निकले, हमें संडे को इसी तरीके से वाइंड अप करना है, वो एक सेटिस्फेक्शन है, कुछ ना कुछ करना है। चलो दूर कर दिए, बंद कर दो।